पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा ये क्रैब का टैंक कैसा दिख रहा था, और वो कुछ खास भी नहीं लग रहा था, प्लस गंदा सा, और इसको चढ़ने के लिए भी कोई ढंग की जगह नहीं मिल पा रही थी। तो फिर मैंने इसमें लावा रॉक्स ही लगा दिए ताकि अभी आराम से इस रॉक के ऊपर चढ़ सकता है और आराम से बैठ सकता है। दूसरी बात, फिशेज को भी इंट्रोड्यूस करना ही था, तो इसमें मैंने 4 पॉलो पैरेट्स और 3 स्कैट्स डाले, जिसमें से पॉलो पैरेट्स ने थोड़ा परेशान किया था क्रैब को, बट अब चल रहा है इनका साथ। तो अब इसमें क्रैब को कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिशेज से नहीं, इन फिशेज को। मगर पता नहीं आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है यार, देख भी लेते हो, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते।